पूरा फूल गया है, सब गर्भ है, गर्भ हैं प्रेतों के, और कुछ बचा नहीं पितरों के गर्भ, इतने तो भ्रूण बना रखे, इतने बच्चे बना रखे हैं अंदर, बच्चों की जो है भरमार है, हजारों बच्चे पाल रखे हैं पेट में, है ना। सब मुल्ला मौलवी ऐसे लदे हुए हैं भयंकर। अभी तुम्हारा हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट। आओ भाई पीर साहब, बाहर आओ, आ जाओ, आओ बाहर आओ, छाती में बैठे हो, बाहर आओ, और जो नाभि में योनि में मौलाना सैयद, तुम भी बाहर आओ, दोनों बाहर आओ, चल बाहर, दीवार लाए जाए खींच के, ओम शिव, इस सब खींच के राजा हराम जाते हैं, इनके भ्रूण सब निकाल ले जाए बाहर, जितने गर्भ हैं इसके, शिव ये सब खिला दिया जाए माँ को, इन सब के बचे हुए सरोस स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आसान के प्राण सब बाहर खींच लिए जाए, शिव सब सेवकाओं को खिला दिए जाए, बैलेंस, बाकी सब बेहोश करके पैर के अंगूठों बांध दिए जाए, नियमानुसार हवन या नमन जो भी करें, भस्म संहार या मुक्ति पाएंगे, बैलेंस। तीन बार बोलो नमः शिवाय, मूवमेंट करो जरा सा, चलो फिर चलिए मूवमेंट करिए, अब सब निकलने को आतुर हैं कि हमको सब निकाल दो तो मर जाएंगे, बदमाश पितर नालायक लग रहा है कि साहब हमको निकाल दो, हम निकल जाते मर जाए, हैं? हाँ पितर नहीं मूल्य घुसे हुए, हाँ पितर तो पीछे हैं, अब ये सब सामने पितर हैं जो दिख रहे हैं, मूल्य तो इनवाइटी सब इनवाइटेड हैं, लाखों रहते हैं करोड़ों रहते हैं, कितने आ सकते हैं इसमें शरीर में, अरबों खरबों, आप मारिए कितने मारेंगे, एक के पीछे खड़ा हुआ मारते जाइए आप, हम इनको काटते रहे सुबह से लेकर रात तक, आते जाएंगे इनके अंदर, अगर डीएनए के ऊर्जा पथ नहीं बनना बंद करते इनका हम कुल का सब में आते, सबके आते रहेंगे इन्हीं में खींच खींच के, वो तो कुल बड़ा देख है, यही तो नहीं जान रहा विज्ञान, यही नहीं जान, झाड़ फूक वाले छू छा कर रहे हैं बैठ के, इन्हें कुछ पता ही नहीं बेचारों को, जिंदगी भर मारते रहते हैं ऐसे, इलाज करते करते झाड़ फूक करवा करवा के मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे करवाते हैं झाड़ फूक, फिर वो मर जाते हैं, जिंदगी भर माथा टेकते रहते हैं जा जा के मंदिरों में, कहाँ क्या करोगे निकाल क्या मारोगे, ये सब वहीं से घूम के आए हैं मंदिरों से, कोई जगह छोड़ी नहीं वहाँ से घूम के आए हैं, हाँ खोलिए, हाँ कहाँ रहते हो, छत्तीसगढ़ जिला कोरबा, साथ कोई आया है, हाँ। कौन आया, मेरी माँ और मेरी बहनी दमान आया है, और पति तुम्हारे, पति नहीं आया है, वो ये सब मानते नहीं है, मानते नहीं है, हाँ, इसलिए कि पति में बैठे हैं जिन खोपड़ी पकड़ के, उसकी बुद्धि तो काम करती नहीं है, वो तो गाली बकेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, पीटेगा, बीमारी है बोलते हैं, हाँ हाँ ये बीमारी है, बहुत बढ़िया बीमारी है, मिर्गी बीमारी है बोलते हैं इसको, हैं मिर्गी बीमारी है बोलते हैं, मिर्गी है, और उसको, और उसको पता नहीं, वो देवानंद है तुम्हारा पति, सबसे ज्यादा वही बीमार है, समझ गई, हाँ तीनों बच्चे भी ना मतलब बहुत ज्यादा परेशान, मतलब लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं, वो तो कुछ दिनों तलाक अलाक होने लगेगा, ये तलाक चाहिए, नहीं नहीं चलता, तो फिर तो मुल्ला जी तो चाहते हैं अंदर तलाक ले लो, तो मुल्ला जी फिर आराम से आनंद करें आपके साथ, चाहते हैं तलाक लो जल्दी से, तो पत्नी मान के बैठे रहते हैं, पत्नी हमारी सब पत्नी माने रहते हैं, ये तो हाड़ मांस का शरीर लग रहा है, हाथी जैसा खड़ा है, जीवन तो इसमें इतना छोटा है कि आप देख नहीं सकते किसी यंत्र से, काम तो वो कर रहा है, अब इतने इनके भ्रूण थे, इतने गर्भ थे इनके सब,
सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीरों से, इनके सूक्ष्म शरीरों से सूक्ष्म जगत में गर्भ उत्पन्न हो जाते हैं सूक्ष्म, वो अपना काम करते हैं, एनर्जी है वो, तो मारो क्या क्या मारोगे। इसका पेट ऐसे तना रहता है जैसे गर्भ है, इसको लगता है, क्या लगता है, ऐसा लगता है पेट में कुछ है, चल रहा है टाइप का लगता है, कुछ चल रहा है अंदर, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे गर्भ होती है, पूरा शरीर में चल रहा है जैसे लगता है। करिए चिकित्सा, करें डॉक्टर साहब चिकित्सा, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये तो दुनिया भर घूम के आई, कुछ जगह बची थोड़ी नहीं है। आंखें बंद कर देखे जो अभी अगर हम ये सब निकाल लें तो ये चल नहीं सकती दो कदम, इन्हीं के दम पे आधी दुनिया जिंदा है, भूत प्रेतों के दम पे, उसी एनर्जी से, गंदी एनर्जी से, जैसे कैंसर है, आप कैंसर के जो कीटाणु मार दीजिए, बचेगा कि मरेगा, आदमी मर जाएगा, आप पिछले जन्म कष्ट भी इसको आ रहा है। आंखें खोलो बेटा, तुम्हें लगता है पीठ में जैसे कुछ घुसा हुआ है पीछे से, लगता है ना, लगता है अंदर कोई खंजर घुसा हुआ है, लगता है ना, अब देखिए बता रही, दरबार देख रहा है कि इसका खंजर घुसा हुआ है, लेकिन ये पिछले जन्म में इसको जैसी हत्या हुई है इसकी, उसकी स्मृति पड़ी हुई है, अब ये कैसे निकालोगे इसको, निकालिए डॉक्टरी करिए, इस पर करिए चिकित्सा, इसको कष्ट ये पीड़ा बनी रही, एक नहीं दस सर्जरी करा लें, ओके जरा सी एनर्जी निकाल लें तभी धड़ाम से गिरेंगे बचेंगे, जैसे आंखें बंद करो देखो सब निकालते हैं तो दिखाते हैं, थोड़ा बहुत डाल देंगे हाथ अलग, ये सब बाहर निकाल ले जाए, ओम शिव, सब बाहर निकाल लीजिए एक साथ, बारह से एक साथ, इनके असर और शेष प्रतियाँ, इनकी इच्छा विचार के प्राण भी सब एक साथ बाहर खींचे जाए, शिव अभी हमने सब बाहर निकाल लिए और अभी ये गिरेंगी धड़ाम से, गिरी, ये सब बाहर निकालिए मुट्ठी में हमारे, नहीं डाले तो मर जाएंगे दो घंटे में, ऐसे ही मर जाते हैं लोग, सकारात्मक अभी कुछ किया नहीं, हवन वैदिक प्रक्रिया का पालन करेंगी, हवन आदि करेंगी तभी तो इनके पास एनर्जी आएगी, तो ये हटेगी जो हमारे हाथ में गंदगी, ये नष्ट होगी और ये जो सकारात्मक ऊर्जा है जो हवन आदि से पैदा होगी इनके अंदर जाएगी सकारात्मक, ये गंदगी जाएगी, ये नहीं जाएगी तो जान लेती रहेगी, वापस डाल दिए जाए, ओम सब प्रवेश करते, सब हवन ये नमन भस्म संहार होंगे या मुक्ति पाएंगे, बैलेंस बैलेंस, उठो बेटा उठिए, अब देखिए एक बार निकाल के डालने में क्या स्थिति देखिए आप, अब ताकत लगा रही नहीं उठ पा रही, जबकि डाल दिए वापस हमने, देखिए क्या हाल है उसका, अगर ये हम सब इकट्ठे मार दें तो ये मर जाएंगी, लोग आते हैं गुरुजी सब निकाल दो, सब गुरुजी ये भी निकाल दो ख़त्म करो, अरे वो कहते भैया क्यों हत्या करवा रही हो, सब निकाल देंगे तुम भी निकल जाओगे साथ में, ये सबका कष्ट है, ये पूरी पृथ्वी में प्रत्येक आदमी का ये कष्ट है, ये ऐसा ही जी रहा है आदमी अपने को माने हुए कि हम तो अकेले हैं, लेकिन जो है भरा हुआ वो तो दरबारे देखता क्या क्या भरा हुआ है, कूड़ा करकट, लड़ाई झगड़ा करते हैं घर में, इनको लगता है ये कर रही हैं, पति को लगता है कि वो खुद कर रहे हैं नाटक, करने वाले कोई और हैं, पति में घुसे हुए हैं सब लाखों नाटक कर रहे हैं, जो अंदर घुसी हैं वो पति मान के बैठी हैं उसको, इनमें घुसे इनको पत्नी मान के बैठे, दोनों झगड़ा चल रहा है, वो भी चाहते तलाक हो जाए, भी चाहती तलाक हो जाए, हाँ अभी इसके रोग अगर आपको दिख जाए इस दृष्टि से, इनको दिख जाए तो ऐसे का हार्ट अटैक हो जाएगा,
तंत्र है, पिछले जन्म के कष्ट है। अभी देखिए पूछेंगे बताएगी अभी। बेटा होश में आओ, थोड़ा थोड़ा होश में लाया जाए बच्ची को, और होश में लाया जाए। अब ये संकट रहता है मेरे सामने, ऊर्जा नहीं है, हवन आदि नहीं कर रखे, ऊर्जा नहीं है, क्या निकालें और निकाल दें तो डालें क्या। दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, एकदम अच्छे हो जाओ, ठीक है, 100 में 100% खुश हो, प्रसन्न हो।